नमस्कार, कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे। बीए बीएड फोर्थ ईयर क्लियर। और इस पर जो आज अपना टॉपिक है, संयुक्त राष्ट्र संघ संघ, और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का पाठ्य है, यानी इसकी तीसरी क्लास है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो पिछली कक्षाओं में मैंने आपको बताया था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 और 24 अक्टूबर 2020 संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर उसके बाद में इसकी शक्ति, इसके अंग के बारे में मैंने आपको बताया था, किस प्रकार इसका संगठन हुआ यह भी मैंने आपको बताया था। पर बात चल रही थी इसके जो अंग हैं, छह अंग हैं, उनमें से पहली महासभा की, महासभा के बारे में बातें चल रही थी कि किस प्रकार यह अपना कार्य करती है, विश्व शांति में ऐच्छिक और अनैच्छिक कार्य में अपनी भूमिका निभाती है, उसको आगे हम पढ़ेंगे। अब इस पे आगे बढ़ते हैं। छोटी असेंबली, यानी महासभा को छोटी असेंबली ही कहा गया है। छोटी असेंबली महासभा को नहीं, इसके विशेष अधिवेशन में अगर कोई बात होती है उसको छोटी असेंबली यानी संसद। 1947 में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के उग्र विरोध और वीटो के प्रयोग के कारण ऐसा गतिरोध उत्पन्न हो गया कि सुरक्षा परिषद से युद्ध और आक्रमणों की आकांक्षाओं से भयभीत विश्व सुरक्षा पाने या शांति बनाए रखने की आशाओं का पूरा होना असंभव प्रतीत होने लगा। यानी 1947 के बाद जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ और शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ तो वीटो का बार बार प्रयोग होने लगा, जिससे ऐसा गतिरोध उत्पन्न हो गया जिससे ये लगने लगा कि सुरक्षा परिषद से युद्ध और आक्रमणों की आकांक्षाओं से भयभीत विश्व सुरक्षा और शांति बनाए रखने में असफल होगा। अतः महासभा ने इस नवीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए 1947 में अंतरिम समिति नामक एक सहायक अंग स्थापित किया। इसे छोटी सा असेंबली कहा गया, यानी महासभा में एक छोटी असेंबली का गठन किया गया। यह महासभा बहुत ही छोटी, उसका पंचमांश और सदा अधिवेशन में बनी रहने वाली स्थायी संस्था है। यह महासभा का सामान्य अधिवेशन न होने की दशा में उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रश्नों पर विचार करती है। यानी महासभा का अधिवेशन नहीं हो रहा है किंतु उसके महासभा में कोई प्रश्न आ रहे हैं तो ये छोटी असेंबली उन पर निर्णय या विचार कर सकती है। इसके लिए जांच कमीशन नियुक्त किए कराने, आवश्यक अन्वेक्षण करने, महासचिव को महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाने की सिफारिश करने का अधिकार है। महासभा के प्रत्येक सदस्य को इसमें एक सदस्य भेजने का अधिकार है। आरंभ में दो या एक वर्ष में के लिए बनाई गई, नवंबर 1949 में अनिश्चित अवधि के लिए पुनः स्थापित कर दी गई। संघ 1992 के बाद कोई बैठक नहीं हुई। सोवियत संघ और उसके समर्थक देश ने इसका घोर विरोध किया क्योंकि वह बार बार वीटो का प्रयोग कर रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बहाल नहीं होने की बात वह कर रहे थे। नेक्स्ट, महासभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि। महासभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि, महासभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि। छोटी संसद को मैंने आपको बताया कि 1947 के बाद ऐसा लग रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाने में न तो संयुक्त राष्ट्र संघ न ही सुरक्षा परिषद कुछ कर पाएगा, किंतु महासभा और सुरक्षा परिषद ने मिलकर एक छोटी संसद का निर्माण किया, जिसे अंतरिम समिति का निर्माण किया, और वह अगर कोई प्रश्न आ रहे हैं तो उन पर अपना निर्णय, अपना विचार रख सकती थी और उसके लिए सहायता प्रदान की। किंतु रूस ने इसका विरोध किया संयुक्त संघ ने, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि ऐसी कोई परिषद बने और उसके अधिकारों का हनन हो। नेक्स्ट, महासभा के प्रतिष्ठा में वृद्धि किस प्रकार हुई इसको देखेंगे। डॉक्टर नगेंद्र सिंह के अनुसार 1949 में सुरक्षा परिषद की तुलना में महासभा का महत्व बढ़ रहा है।
सुरक्षा परिषद की अपेक्षा वर्तमान में महासभा की शक्तियों में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला, महासभा में सभी देशों के प्रतिनिधि मिले हुए हैं, जिससे लोकतंत्र के इस युग में विश्व लोकमत का प्रतीक बन गया है। यानी इसकी प्रतिष्ठा क्यों बढ़ी, क्योंकि प्रत्येक विश्व का राष्ट्र इसका सदस्य है, जिससे वह अपना निर्णय कर सकता है और उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया। जनमत की शक्ति के कारण उसके द्वारा लिए गए निर्णयों की उपेक्षा करना किसी भी राष्ट्र के लिए संभव नहीं है। यानी जनमत की बात महासभा करता है तो उसके विरुद्ध निर्णय लेना हर किसी के बस की बात नहीं, और कोई भी जो पावरफुल राष्ट्र है, शक्तिशाली राष्ट्र है, वो उस जनमत की अवहेलना नहीं कर सकता, इसलिए इसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। राज्यों के आपसी विवादों को दूर करने के लिए महासभा द्वारा जो प्रस्ताव पारित किए गए उनका असाधारण महत्व है, जिससे उसकी शक्तियों एवं प्रभाव में वृद्धि हो गई। यानी महासभा द्वारा जो आपसी विवादों के पर जो निर्णय लिया गया है, जिससे इसकी शक्ति और बढ़ गई। अगला है, सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार के बार बार प्रयोग के कारण अनेक बार महासभा को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिला। यानी सुरक्षा परिषद के जो वीटो प्राप्त देश है वो बार बार अपने वीटो का प्रयोग कर रहे हैं, अच्छा महासभा को उसमें अपनी भूमिका महत्वपूर्ण बनाने का अवसर मिला, क्योंकि उसमें सदस्य राष्ट्र का एक जनमत था, एक बहुमत था, एक लोकतांत्रिक बहुमत था। निशेषाधिकार से उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए पहले इस छोटी सभा लिटिल असेंबली बनाई थी और बाद में शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया। इन दोनों घटनाओं ने इसकी प्रतिष्ठा को वृद्धि कर दी। यानी छोटी असेंबली और शांति के लिए एकता प्रस्ताव, जैसा पिछले अध्याय में हमने अध्ययन किया था, उनके आने से निश्चित रूप से इनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई। वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या निरंतर होने वाली वृद्धि इसके आकार प्रतिष्ठा की अभिवृद्धि का स्वाभाविक कारण है। यानी एक तो इसका आकार बढ़ गया और अन्य देश इसके सदस्य हो गए, तो लोकमत जनमत इसमें आ गया, अतः इसकी अवहेलना करना अब सुरक्षा परिषद प्राप्त राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में नहीं रहा। संयुक्त राष्ट्र की महासभा का प्रारंभ 51 सदस्य राज्यों से हुआ था, वर्तमान की इसके सदस्य संख्या 193 है, जिससे यह स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र वस्तुतः सार्वदेशिक संस्था है। यानी जहाँ 51 राष्ट्रों ने इसमें शुरुआत में इसमें सदस्य थे, जो बढ़कर 193 हो गए, तो ऐसा माना जा सकता है कि यह एक सार्वभौमिक संस्था है और इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती, ये बात है। महासभा को विश्व का उन्मुक्त अंतर्ग्रहण कहा जाता है, क्योंकि यह अणुबम से लेकर मानवीय कल्याण, भोजन, कपड़ा, आवास तक की सभी समस्याओं पर विचार करती है। यानी अंत्यकरण आत्मा की आवाज, यानी अणुबम से लेकर रोटी कपड़ा मकान तक की बातों पर यह विचार विमर्श करती है, सिफारिशें करती है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के नवोदित राष्ट्र इसकी कार्रवाई को बड़ी आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। यानी जो महासभा की जो कार्यवाही है उसको बड़ी आशा भरी नजरों से देखते हैं, क्योंकि यह आम छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखती है, ऐसा कहा गया है। आपातकालीन सेना की नियुक्ति के कारण महासभा की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। यानी आपातकालीन सेना बीच में रखी गई है, जो लोग अन्य जो आक्रमक देश है उसको ये समझा दिए कि आप जो कदम उठा रहे हो वो विश्व शांति के लिए उपयुक्त नहीं है, उन्हें डराया भी जा सकता है, और यह उग्रता में ये संदेश वह देती है, जिससे भी इसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। सुरक्षा परिषद के साथ ही महासभा भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रश्नों पर विचार करने का अधिकार है। यानी सुरक्षा परिषद जिस प्रकार शांति और सुरक्षा की बात करती है, तो महासभा भी उसी प्रकार शांति और सुरक्षा के प्रश्नों के बारे में अपने मत रखती है, यह एक महत्वपूर्ण बात है, तो जिससे इसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होना अनिवार्य अपेक्षित है। सुरक्षा परिषद के साथ ही महासभा भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रश्नों पर विचार करने का अधिकार है। अगला, महासभा का अन्वेषण अन्वेषणात्मक तथा निरीक्षणात्मक अधिकार भी इस संघ के अन्य अंगों की अपेक्षा विशिष्ट स्थिति प्रदान करता है। यानी वह उनका अन्वेषण कर सकती है, बना सकती है, निरीक्षण कर सकती है, यह भी इसका एक विशिष्ट अधिकार इसे प्राप्त है। नेक्स्ट, महासभा की भूमिका। महासभा किस प्रकार की भूमिका निभा रही है, इसके बारे में भी चर्चा परिचर्चा करेंगे कि इसकी भूमिका क्या रही, कितनी पॉजिटिव कितनी नेगेटिव, उनके बारे में। महासभा को विश्व का उन्मुक्त अंत्यकरण कहा जाता है। स्लीचर के अनुसार महासभा की प्रतिष्ठा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। स्लीचर भी कह रहे हैं कि इसकी प्रतिष्ठा निरंतर बढ़ती जा रही है।
गुडरीच के अनुसार महासभा एक सार्वजनिक सभा स्थल ही नहीं बल्कि इसने अपने आप को निर्णय लेने के योग्यता का प्रमाण भी दिया है। विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने में भी इसने महत्वपूर्ण योग दिया है। यानी जो गुडरीच कह रहे हैं कि महासभा एक सार्वजनिक सभा स्थल ही नहीं है, यानी यह एक सार्वजनिक सभा नहीं है जहाँ लोग आकर सभाएं करते हैं, बल्कि इसने अपने आप को निर्णय लेने के योग्य की योग्यता को प्रमाणित किया है। यानी इसने अपने जो निर्णय लेने की योग्यता है उसको प्रमाणित भी किया है। विश्व शांति की सुरक्षा स्थापित करने में भी इसने महत्वपूर्ण योग दिया, यानी विश्व में जो शांति और सुरक्षा स्थापित करने में महासभा ने भी अपनी पूरी भूमिका निभाई है, क्योंकि विश्व शांति और सुरक्षा उसके अन्य ऐच्छिक विषय रहे हैं या कार्य रहे हैं जो सुरक्षा परिषद के माध्यम से किए जाते थे, किंतु महासभा में जनरल असेंबली, लिटिल असेंबली और शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित होने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि विश्व शांति और सुरक्षा के लिए महासभा के कार्य में प्रतिष्ठा मिली है, वृद्धि की गई है। स्टार्क के अनुसार यह बात उल्लेखनीय है कि महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रश्नों के समाधान के प्रमुख के रूप में भाग लिया। इसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष लाए गए कुछ प्रमुख प्रश्न पर विचार करके पैलेस्टाइन, यूनान, स्पेन और कोरिया के संबंध में कार्रवाई भी की। यानी शांति और सुरक्षा के लिए इनमें से कुछ मुद्दे उठे थे, जिनमें स्टार्क ने कहा है कि महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रश्नों का समाधान प्रमुख रूप से भाग लिया। यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के जो प्रश्न हैं उसमें महासभा ने पूरी ईमानदारी के साथ उसमें भाग लिया। और संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष लाए गए कुछ प्रमुख प्रश्नों में पैलेस्टाइन, यूनान, स्पेन, कोरिया के संबंध में कार्रवाई भी इसने की है। यद्यपि महासभा के निर्णयों को सरकार के लिए कोई कानून बंधन नहीं है, सरकारों के लिए कोई कानून बंधन नहीं है, यानी जो विश्व के अन्य राष्ट्र हैं उनके सरकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया कोई बात है तो वह कोई कानून नहीं है, तथापि वह विश्व लोकमत के साथ ही साथ विश्व समुदाय के नैतिक अधिकारों से संपन्न होते हैं। यानी अगर कोई बात ये कह रहे हैं तो विश्व में यह नैतिक अधिकारों से संपन्न है और एक बहुत बड़ा जो विश्व का प्लेटफॉर्म है उनके द्वारा ये बात की गई है तो वह निश्चित रूप से उनके नैतिक अधिकारों का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे वर्ष का कार्य महासभा के निर्णय से उद्भूत होता है, अर्थात महासभा द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों में अभिव्यक्ति बहुसंख्यक सदस्यों की इच्छा कार्य इस प्रकार किया जाता है। महासभा द्वारा विशिष्ट विषय जैसे निशस्त्रीकरण, शांति स्थापना, मानव अधिकारों पर गठित समितियों एवं अन्य निकायों पर महासभा द्वारा निमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय और महासचिव एवं उनके स्टाफ जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सिविल अधिकारी होते हैं, संक्षेप में महासभा के महत्व, प्रभाव और शक्ति का विस्तार हुआ है, ऐसी बात निश्चित रूप से कही जा सकती है। इस प्रकार हमने महासभा जो संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला अंग है उसके बारे में प्रमुख बातों का अध्ययन किया और उसका ध्यान किया, और निश्चित रूप से ये कोशिश है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट महासभा के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दूसरा अंग है उसके बारे में परिचर्चा जारी रखेंगे, जिनमें दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। दूसरा अंग सुरक्षा परिषद, परिषद इसका संगठन और इसकी भूमिका और देखेंगे। संगठन और इसकी क्या भूमिका है इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि पहले हमने महासभा का अध्ययन किया उसके बाद में हम सुरक्षा परिषद का अध्ययन करेंगे। द सिक्योरिटी काउंसिल और ऑर्गेनाइजेशन एंड रूल। राष्ट्र संघ के अनुभव ने संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताओं के मस्तिष्क में यह धारणा उत्पन्न कर दी थी कि विश्व समुदाय के अंदर एक 5 महाशक्तियां का भी समुदाय विद्यमान है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ से प्रेरणा ली कि विश्व में 5 शक्तियों का भी एक संगठन विद्यमान है विश्व में, जिनकी मित्रता एवं नैतिकता पर ही विश्व में शांति और सुरक्षा कायम की जा सकती है, जिनके एक मत होने पर ही विश्व में शांति और सुरक्षा कायम की जा सकती है। यानी बड़ी बड़ी 5 महाशक्तियाँ भी हैं जिनकी एक मत होने पर ही विश्व में शांति और सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। फलतः डंबरटन ऑक सम्मेलन में इस तथ्य पर अधिक बल दिया गया था कि ऐसा कार्यपालन अंग की स्थापना की जाए
जिसकी सदस्यता सीमित हो, यानी ऐसा एक कार्यपालिका एक अंग बनाया जाए जिसकी सदस्य संख्या सीमित हो, जिसमें 5 बड़े राष्ट्रों को प्राथमिकता हो, जो विश्व में शांति और सुरक्षा हेतु पुलिस दायित्व से संपन्न हो। यानी 5 देशों का एक संगठन बनाया जाए जो विश्व में कहीं भी शांति और सुरक्षा के प्रश्न पर बात करे और अपनी सेनाओं और अपनी शांति और सुरक्षा के लिए कार्रवाई करें, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक सजग प्रहरी के कार्यभार ग्रहण कर सके, यानी विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए एक सजग प्रहरी की भांति काम कर सके और कार्य ग्रहण कर सके, जिसका सत्र कभी समाप्त नहीं हो, जो शांति के लिए संघर्षित होने वाले शांति भंग अथवा आक्रमक कृत्यों विद्यमानता पर शीघ्र ही निर्णय ले, यानी विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं अगर कोई शांति अशांति की बात हो रही है तो वह उसमें शीघ्र ही अपना निर्णय ले, सजग प्रहरी की तरह काम करे, निर्णय लेकर उनके निराकरण की तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करे या पूर्णतः सक्षम हो। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताओं ने विश्व संस्था की संपूर्ण शक्ति सुरक्षा परिषद में निहित कर दी, यानी विश्व के 5 बड़े देशों के हाथों में विश्व की शांति और सुरक्षा दे दी। सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का पहरेदार माना जाता है। महासभा की अपेक्षा सुरक्षा परिषद बहुत ही छोटा सदन है, परंतु इसकी शक्ति महासभा से भी अपेक्षित बहुत व्यापक है, यानी ये विश्व का छोटा समूह है फिर भी इसकी शक्ति महासभा के जो विश्व संसार के सभी देशों का सदस्य महासभा है उससे ज्यादा है। यदि महासभा मानवता की सर्वोच्च राजनीति का प्रतिनिधित्व करती है तो सुरक्षा परिषद विश्व शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, यानी वह सभी देशों के बहुमत की बात करती है तो ये सभी देशों की सुरक्षा में बहुमत की बात करती है। राजनीतिक विषयों में सुरक्षा परिषद राष्ट्र का कार्यालय अंग है, यानी राजनीतिक विषयों में सुरक्षा परिषद राष्ट्रों का कार्यपालिका अंग है, यानी कार्यपालिका अंग है, मतलब यह है कि यह सभी व्यवस्थाओं का जो मुख्य बिंदु है वह यही है, यही कार्य करवाएगी, कानूनों का पालन करवाएगी, शक्ति है। पामर और पार्किंस ने संयुक्त राष्ट्र की कुंजी कहा है, यानी सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की चाबी कहा है। एच डॉक्टर ने इसे संघ की प्रवर्तन भुजा कहा है, यानी यह विश्व की भुजा है, तथा डेविड कुशमैन ने इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा है, यानी यह दुनिया का पुलिसमैन है जो विश्व में शांति और सुरक्षा और गंभीर विषयों पर तुरंत निर्णय करने का अधिकार इसको प्राप्त है, तो इसको विश्व की पुलिस कहा है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय है, यानी हार्ट है। संकट के समय हो या शांति का, संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे अंग कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो, वर्ष में कोई समय या कोई भी मौसम हो, सुरक्षा परिषद अपना कार्य करती रहती है, यानी सुरक्षा परिषद विश्व में हमेशा निगरानी करती रहती है कि कोई भी मौसम हो, कोई भी समय हो, कोई मतलब नहीं है, यह अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ कर रही है, ऐसी बात करते हैं। संगठन, यानी सुरक्षा परिषद का संगठन, चार्टर के 5वें अध्याय में सुरक्षा परिषद के संगठन संबंधी नियम दिए गए हैं। इनके अनुसार परिषद में मूलतः 5 स्थायी, 6 अस्थायी, कुल 11 सदस्य होते हैं, किंतु बाद में अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई है, परंतु 1965 के चार्टर में इनकी सदस्य संख्या 10 कर दी गई, जो मैंने अभी बताया था। ऐसा इसलिए किया गया, 1945 में सदस्यों की संख्या दुगनी हो गई और छोटे छोटे देश सुरक्षा परिषद में अधिक स्थान की मांग करने लगे। तदनुसार महासभा ने निर्णय लिया 10 अस्थायी सदस्यों में 5 अफ्रीकी देशों में से, 1 यूरोप से, 2 दक्षिणी अमेरिका से, 2 पश्चिमी यूरोप में अन्य राज्य से होने चाहिए, मतलब 5 तो एशिया और अफ्रीका के होने चाहिए, और 1 यूरोप का, पूर्वी यूरोप का, 2 दक्षिणी अमेरिका का और 2 पश्चिमी यूरोप के, इस प्रकार 10 सदस्य चुने जाएंगे। इस प्रकार सुरक्षा परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 15 हो गई, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी, जिनको चेंज कर देते हैं। चीन, फ्रांस, सोवियत संघ जो अब रूस बन गया, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका इसके स्थायी सदस्य होंगे, या इसके जो स्थायी सदस्य हैं वो चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये 5 सदस्य और 10 इसके अस्थायी सदस्य होते हैं, जो 5 एशिया,
अफ्रीका से, दो यूरोप, दो अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और एक दो दक्षिणी अमेरिका और दो पश्चिमी यूरोप, एक पूर्वी यूरोप, पश्चिम यूरोप पश्चिमी और पूर्वी, पूर्वी से एक यूरोप। इस प्रकार के ये 10 और 5 15 सदस्य होते हैं। इनमें 5 को स्थायी सदस्य कहा जाता है, स्थायी सदस्य। सोवियत संघ के विघटन के बाद सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों का स्थान रूस को प्रदान किया गया। रूस है इसका स्थायी सदस्य। जब तक सुरक्षा परिषद का अस्तित्व रहेगा इनकी सदस्यता बनी रहेगी, यानी जब तक संयुक्त राष्ट्र संघ है तो ये 5 की सदस्यता बनी रहेगी। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा में 2/3 बहुमत से प्रत्येक 2 वर्ष के लिए करती है, यानी ये जो अस्थायी सदस्य हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, करती है। सदस्यों का निर्वाचन करते समय महासभा के संगठन के उद्देश्यों, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के योगदान का तथा मौलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता पर ध्यान रखती है, यानी यह उसके शांति, सुरक्षा, मौलिक अधिकार आदि की बातों को देख करके इन 10 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। जिस देश का कार्यकाल समाप्त होता है उसे उसी साल पूर्व विधवा होने का अधिकार प्राप्त नहीं है, यानी भारत को अस्थायी सदस्य बनाया तो अगले वर्ष वापस भारत को 2 वर्ष बाद उसका स्थायी सदस्य नहीं बनाया जा सकता। अस्थायी सदस्यों के प्रथम निर्वाचन में 3 सदस्य 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। 14 नवंबर 1970 को भारत सहित 19 गुटनिरपेक्ष देशों ने सुरक्षा परिषदों की संख्या बढ़ाने हेतु प्रस्ताव महासभा में पेश किया। भारत सहित 19 इस प्रस्ताव को मांग की गई कि सुरक्षा परिषदों की संख्या बढ़ाकर 10 से 21 कर दी जाए, यानी सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं उनकी संख्या 21 कर दी जाए। गुटनिरपेक्ष देशों का तर्क है कि तीसरी दुनिया के देश को परिषद में समुचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अमेरिका और सोवियत संघ का मत है कि इससे सुरक्षा परिषद की कुशलता नकारात्मकता को प्रभावित करेगी, यानी भारत और गुटनिरपेक्ष के देशों ने कहा कि इसके सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं इनको बढ़ाया जाए और 21 कर दें, किंतु अमेरिका और रूस ने कहा इससे इसकी नकारात्मकता बढ़ जाएगी इसलिए नहीं बढ़ाया जाएगा। वर्ष 2014-15 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2 वर्ष की सदस्यता के लिए जिन 5 देशों को चुना गया, 2013 की महासभा में 68 विसत्र में किया गया, जिसमें 4 चिली, लिथुआनिया, नाइजीरिया के अतिरिक्त सऊदी अरब भी शामिल था, किंतु इस चुनाव के एक दिन बाद ही सुरक्षा परिषद की सदस्यता छोड़ने वाले सऊदी अरब ने करके तहलका मचा दिया, यानी इनको अस्थायी सदस्य चुना जाना था किंतु इसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ही छोड़ दी और तहलका मचा दिया। सीरिया फिलिस्तीन मामले के समाधान में सुरक्षा परिषद की असफलता का हवाला देते हुए सऊदी अरब ने यह घोषणा की, फलस्वरूप महासभा ने सऊदी अरब को रिक्त किए गए स्थान पर जॉर्डन को चुन लिया, यानी सऊदी अरब को हटाकर जॉर्डन को उसकी जगह चुन लिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि महासभा के विपरीत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की सदस्यता सीमित कर दी गई। आजकल इसकी सदस्य संख्या 15 है, इसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी। यही दृष्टिकोण प्रतिपादित किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इन 5 के अतिरिक्त और कोई महान शक्ति विद्यमान नहीं है जो विश्व में शांति और सुरक्षा कायम करने में सक्षम हो। वास्तव में यह समय का एक राजनीतिक निर्णय था तथा इन 5 सदस्यों का नाम उल्लेख ने चार्टर में गतिशीलता की जगह स्थायित्व के तत्वों का समावेश करने का प्रयत्न किया। क्लियर, यानी इसके सदस्य संख्या है 5 स्थायी और 10 अस्थायी, इतना ही रखा जाएगा। अगला है परिषद की कार्य प्रणाली, यानी सुरक्षा परिषद कैसे कार्य करती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का निरंतर कार्य करने वाला निकाय है, यानी यह लगातार काम करने वाला एक निकाय है। यह स्थायी रूप से सत्र में रहती है। इसकी बैठक 14 दिन में एक बार होती है, यानी 14 दिन में इसकी एक बार बैठक होती है। यदि आवश्यकता हो तो शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाए तो इसकी बैठक अल्पसात सूचना में 24 घंटे में बुलाई जा सकती है, यानी 24 घंटे में भी इसकी बैठक बुलाई जा सकती है आपातकालीन स्थिति में। सुरक्षा परिषद में प्रत्येक राष्ट्र के सिर्फ एक एक प्रतिनिधि
रहते हैं, अतः इस परिषद की बैठक में अधिक से अधिक 15 सदस्य उपस्थित होते हैं, 15 इसके सदस्य, जिसमें गंभीर विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए निर्णय देने की सुविधा होती है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य राज्य का एक एक प्रतिनिधि संघ के कार्यालय में बना रहता है। प्रक्रिया संबंधी मामले के निर्णय के लिए 9 मतों की आवश्यकता होती है, यानी किसी पर निर्णय लेना है तो उसमें 9 मतों की अनिवार्यता रखी गई है। प्रक्रिया संबंधी विषयों का आशय ऐसे मामलों में है जिनकी सुरक्षा परिषद की बैठक के कम समय या स्थान निर्णय करना है। इसके सहायक अंगों की स्थापना, कार्यवाही चलाने के नियम, सदस्यों की बैठक सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण करना आदि है, परंतु सभी महत्वपूर्ण मामले में निर्णय लेने के लिए 9 स्वीकारात्मक मतों के साथ ही आवश्यक है कि 5 सदस्यों में भी उस निर्णय के लिए सहमत हो, यानी 9 तो पास करें करें किंतु 5 विशेष रूप से उसको प्रस्ताव को पास करें जब यह बात मानी जाए। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य को सभी महत्वपूर्ण में निषेधाधिकार प्राप्त है, यानी 5 जो मुख्य देश हैं उनको उनमें वीटो करने का भी अधिकार है, परंतु साथ ही यह नियम है कि झगड़ों से संबंधित दल मतदान नहीं कर सकता। यदि सुरक्षा परिषद में ऐसे विषय पर विचार होता है जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी सदस्य राज्य के विशेष हितों पर प्रभाव पड़ता है जो सुरक्षा परिषद का सदस्य न हो, तब भी वह राज्य सुरक्षा परिषद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, परंतु उसे मतदान देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। यानी किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसमें कार्रवाई में भाग ले सकता है किंतु मत देने का अधिकार उसको प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट, इसके कार्य और इसका क्षेत्र अधिकार, ये तो कार्य प्रणाली, अब इसका कार्य और क्षेत्र अधिकार। यानी किन किन क्षेत्रों में यह कार्य करती है, प्रमुख रूप से विश्व शांति एवं सुरक्षा उसका कार्य क्षेत्र है, यानी विश्व में शांति स्थापना करना यही उसका, सुरक्षा करना यही उसका कार्य क्षेत्र है। सुरक्षा परिषद क्षेत्राधिकार में आने वाले बहुत से संगठनात्मक विषयों में उसे कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिकार प्राप्त है। नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करना, महासचिव का चयन, यानी ये इसके प्रमुख कार्य है, नए राष्ट्रों को सदस्यता देना, महासचिव का चयन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि सभी इस कार्य जो महासभा से मिलकर करती है बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं। सुरक्षा परिषद अपने आंतरिक मामलों में स्वयं निर्णय करती है, यदि भी महासभा उन संबंध में चर्चा सिफारिश कर सकती है, यानी उनके आंतरिक मामलों में चर्चा और सिफारिश महासभा कर सकती है, किंतु वह आत्मनिर्णय वो खुद ही करते हैं। शांति और सुरक्षा संबंधी निर्णयों को लागू करने का प्रश्न केवल सुरक्षा परिषद ही शांति भंग करने वाले के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर सकती है, यानी कोई देश अगर शांति भंग कर रहा है तो इसके विरुद्ध अगर कोई कठोर कार्रवाई करनी है तो वह कार्य करने का अधिकार सिर्फ सुरक्षा परिषद को है और वह कठोर कार्रवाई कर सकती है। यदि सुरक्षा परिषद ये निर्णय करती है कि किसी परिस्थिति में विश्व शांति एवं सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया या शांति भंग हो रही है, यदि ऐसा किसी राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर दिया है तो उसे उसे कूटनीतिक, आर्थिक और सैनिक कार्रवाई करने का अधिकार भी प्राप्त है। एक सदस्य राष्ट्र चार्टर की इच्छा अनुसार उक्त निर्णय को मानने एवं लागू करने को बाध्य है। नए सदस्यों की सदस्यता प्रदान करने के क्षेत्र में सुरक्षा परिषद को महासभा की अपेक्षा अधिक निर्णयात्मक अधिकार प्राप्त है, यानी महासभा उसको सदस्यता दे दे इससे पहले सुरक्षा परिषद को उस पर ज्यादा अधिकार प्राप्त है कि वह उसको सदस्यता दे अथवा न दे। सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी देश को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास आवेदन प्रस्तुत करना होता है जिससे वह सुरक्षा परिषद पर विचार करने को भेजता है। सुरक्षा परिषद सदस्यता प्रदान करने से संबंधित अपनी समिति की राय एवं स्वयं उक्त देश की सदस्यता की पात्रता पर विचार करता है जिससे वह बहुत ही विशिष्ट परिस्थितियों से संतुष्ट होकर महासभा के पास अपनी सिफारिशों को भेज देता है। सुरक्षा परिषद की उक्त सिफारिशों उसके स्थायी सदस्यों पर सहमति पर ही आधारित होती है, यानी उसको सदस्यता दी जाए अथवा नहीं दी जाए सुरक्षा परिषद द्वारा ही तय किया जाता है। सुरक्षा परिषद का उद्देश्य शांति की स्थापना माना जाता है। सुरक्षा परिषद पहले तो विवादों को प्रस्तावों को समाप्त करना चाहती थी, इसके बाद आर्थिक प्रतिबंध लगाने पर विचार करती है और अंत में सैनिक कार्रवाई की शक्ति पर अधिकार का प्रयोग करती है, यानी सुरक्षा परिषद किसी पर अचानक आक्रमण नहीं करती है, पहले वह उसको बातचीत विवादों को बातचीत से हल करती है, फिर उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाती है और फिर भी न माने तो उस पर सैनिक कार्रवाई भी कर सकती है, इसका अधिकार है। चार्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना का कहीं उल्लेख नहीं है। सुरक्षा परिषद के पास यह अधिकार अवश्य है कि वे सदस्य राष्ट्रों में से किसी भी समय उस सेना को उपलब्ध कराने के लिए कह सकती है,
यानी इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं वह उसको सेना उपलब्ध कराएंगे, यह कह सकती है सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ। वह शांति की स्थापना के लिए जल थल नव सेना को यथाउचित प्रयोग कर सकती है, यानी वह जल सेना थल सेना नव सेना तीनों का उपयोग कर सकती है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही कोई भी राष्ट्र जिसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई वो सदस्यता से अधिकार अनिश्चित काल के लिए वंचित किया जा सकता है। अगर कोई राष्ट्र चार्टर की अवहेलना करता हो या विश्व शांति के लिए खतरा हो तो उसकी सदस्यता समाप्त कर सकते हैं, और कब तक कर सकते हैं इसका कोई पता नहीं। सदस्यता पुनः प्राप्त करने का कर देना का भी अधिकार सुरक्षा परिषद के निर्णय पर ही होता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की लगातार अवहेलना की हो सदस्यता से निकाला जा सकता है। यानी लगातार वह सदस्यता या संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का उल्लंघन कर रहा है तो उसको सदस्यता से निकाला जा सकता है, और कब तक निकाला गया इसका निर्णय ही सुरक्षा परिषद ही कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन अनुच्छेद 109 में अनुसार महासभा को दो तिहाई सदस्यों के बहुमत अतिरिक्त सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के समर्थन पर ही हो सकता है। यानी महासभा अगर कोई पारित करे तो सुरक्षा परिषद के जब तक पांचों जो देश हैं वो मिलकर उस पर समर्थन नहीं देते जब तक वह कानून नहीं बन सकता। नेक्स्ट, परिषद के चार तरीके। अब परिषद के बारे में देखेंगे, उससे पहले हम देखेंगे सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रणाली या तथा वीटो के बारे में पढ़ेंगे। सुरक्षा परिषद में वीटो के बारे में पढ़ेंगे। वीटो क्लियर। चार्टर की धारा 27 में सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रक्रिया का वर्णन है, यानी किसी पर मत देने की प्रक्रिया का वर्णन है, किसी अध्यादेश पर निर्णय देने की प्रक्रिया का वर्णन है और वीटो का वर्णन है। इसके अनुसार प्रक्रिया संबंधी विषय में परिषद के निर्णय 9 सदस्यों की स्वीकृत मत से किए जाएंगे, यानी परिषद में जो 15 सदस्य हैं उनमें से 9 के मत मिलने पर ही उस पर निर्णय किए जाएंगे। प्रक्रिया संबंधी विषयों का आशय ऐसे मामलों से जिनसे सुरक्षा परिषद की बैठक के समय या स्थान का निर्णय करना है। इसके सहायक अंगों की स्थापना, कार्यवाही चलाने के नियम, सदस्यों को बैठक में सम्मिलित होने के लिए नियंत्रित करना आदि हैं। इसके अतिरिक्त शब्द सबसे महत्वपूर्ण विषय सारवान समझे जाते हैं। ऐसे विषयों के निर्णय के लिए 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक वोट के साथ 5 सदस्यों की स्वीकारात्मकता वोट भी होने चाहिए। इस व्यवस्था के अनुसार 5 स्थायी सदस्यों में से एक भी किसी महत्वपूर्ण विषय पर वोट दे देता है, निर्णय के विपक्ष में वोट दे देता है तो वह विषय अस्वीकृत समझा जाएगा। यानी कोई भी अगर एक प्रस्ताव है उसमें 9 सदस्यों ने स्वीकार कर लिया किंतु 5 सदस्यों में से एक ने भी उसको वोट असहमति दे दी तो वह प्रस्ताव खारिज माना जाएगा। इसी बात इसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय की गई है, उसे वीटो कहा गया है, होनी चाहिए, दे देता है तो वह विषय अस्वीकृत समझा जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक स्थायी सदस्य को निषेधात्मक वीटो प्राप्त है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रक्रिया संबंधी विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों में निर्णय के लिए 5 सदस्य स्थायी सदस्यों को सर्वसम्मति आवश्यक है, यानी उसके जो 5 सदस्य हैं उसकी सहमति आवश्यक है। इनमें से अगर एक भी अगर उसके विरुद्ध नकारात्मक वोट दे देता है तो वह प्रस्ताव स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। यदि कोई भी स्थायी सदस्य इन विषयों के निर्णय के समय अपना नकारात्मक मत प्रदान करता है तो सुरक्षा परिषद उन विषयों पर कोई निर्णय नहीं ले सकती। इस प्रकार स्थायी सदस्य हो सकता है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों। इस शक्ति को निषेधाधिकार की शक्ति कहते हैं, निषेधाधिकार की शक्ति इसको कहा जाता है वीटो को। इस प्रकार तथाकथित 5 बड़ों में से कोई भी सदस्य दूसरे राज्यों से संबंध में निर्णय लेने या उनके विरुद्ध विधि लागू करने में सक्षम हो सकता है किंतु स्वयं विधि के ऊपर है। यानी 5 सदस्य राष्ट्र कोई भी अगर कानून है उसके बारे में अपना मत प्रस्तुत कर सकते हैं, यह बात इसमें विशेष रूप से की गई। आज की क्लास में हमने जनरली संयुक्त राष्ट्र संघ की जो
अंग है उसमें से दूसरा जो महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद के संगठन भूमिका कार्य प्रणाली कार्य क्षेत्राधिकार वीटो के बारे में विधिवत विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की है कि सुरक्षा परिषद में संगठन किस प्रकार हुआ है, किसके 5 सदस्य स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और महत्वपूर्ण विषयों पर अपना निर्णय या अपना मत देते हैं और किस प्रकार यह कार्य करता है। विश्व में शांति और सुरक्षा का पुलिस मैन इसे कहा जाता है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी अगर कोई शांति को भंग करने की बात करता है तो उसकी सदस्यता और उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है, उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है और उसको निष्कासित भी कर सकता है, ऐसा कार्यवाही कर सकता है। और 5 सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है जिसे निषेधात्मक शक्ति भी कहा गया है, जिसके अनुसार 5 महाशक्तियों में से अगर किसी ने भी एक निषेधात्मक वीटो का प्रयोग कर दिया तो 4 और वह अन्य जो बहुमत से प्राप्त जो 9 मत हैं वह भी खारिज हो जाते हैं। अतः विश्व में अगर कहीं कोई निर्णय लेना है सुरक्षा परिषद द्वारा लिया जाता है तो उसमें इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखा जाता है कि 5ों जो राष्ट्र है वो सर्वसम्मति से वह निर्णय ले आदि, ऐसी विविध बातों की चर्चा परिचर्चा हमने जारी रखी। इस क्लास में हम आगे भी संयुक्त राष्ट्र संघ की बारे में चर्चा परिचर्चा जारी रखेंगे। इस क्लास में इतना ही, आगे की क्लासों में यह बात जारी रहेगी। इस क्लास में धन्यवाद।